आज मंगलवार दिनांक 10 जनवरी 2023 दोपहर 3 बजे सर सोलापुर सोशल एसोसिएशन उर्दू हाई स्कूल व उर्दू हाई स्कूल के जूनियर कॉलेज सोलापुर के नवनिर्वाचित प्राचार्य हेडमास्टर शबनम सैयद, इनकी प्राचार्य हेडमास्टर चुने जाने पर याकूब मंगलगिरी ग्रुप की जानिब से शॉल गुलाब का गुच्छ देकर और पेड़ा खिलाकर सम्मान किया गया। इस वक्त मौजूद याकूब मंगलगिरी, मुफीज अहमद महगामी, सलाउद्दीन शेख, एनडीटीवी पत्रकार इम्तियाज शबादी, असिस्टेंट हेडमास्टर आरिफ मेजर, नौशाद पटेल, वेजाद अब्दुल सत्तार सगरी, अमीन नवाज चौधरी और नईमा हुंडेकरी, शिकलकर जैद बागवान, इन सभी की मौजूदगी में सम्मान किया गया। हेडमास्टर प्राचार्य शबनम सैयद और याकूब मंगलगिरी ने क्या कहा, देखिए। आज सोशल स्कूल में और जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस के लिए नए सदर मदरस यानी हेडमास्टर या प्रिंसिपल कहें, उनका कल उन्होंने चार्ज लिया था। मेरे ख्याल से करीबन 7वां या 8वें ये प्रिंसिपल या हेडमास्टर हैं जिनका जो है ना मुझे सत्कार करने का मौका मिला। खुशी होती है जिस इदारे ने हमें बोलना और चलना सिखाया वहीं आकर जो है नए सदर मदरस का या प्रिंसिपल का हम सत्कार करते हैं, इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। इदारा तरक्की के राहों पर गामजन है और हमारे बच्चे नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। असातिज़ा पूरी मेहनत और लगन से यहाँ पे हेडमास्टर के साथ होते हैं, इदारे के साथ होते हैं, बच्चों के को इम्प्रूव करने में, उनको निखारने में हर मुमकिन कोशिश करते हैं। एक साबिक स्टूडेंट के हिसाब से इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। दुआ करूँगा इदारा और तरक्की करे और इसी तरह ये सफ़र गामजन रहे। अस्सलामुअलैकुम, मैं सोलापुर सोशल एसोसिएशन उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में 1989 से यहाँ पर तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। पिछले 2-3 सालों से एज ए सुपरवाइज़र काम अंजाम दे रही हूँ। इस दौरान हम बच्चों की तरक्की के लिए और हमारा पूरा स्टाफ सब मिलकर ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए बहुत ही ध्यान देते हैं और जब लड़कियों को बाहर छोड़ना है तो पूरा स्टाफ जो है इसकी तरफ तवज्जो देता है। दरमियानी छुट्टी में लड़कियों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, उनके तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा स्कूल की बेल भी 2 तरह की दी जाती है। एक है पहली बेल लड़कों के लिए होती है, लड़कों को बाहर निकालने के बाद फिर लड़कियों को छोड़ा जाता है। इसके अलावा तमाम बच्चों के तरक्की के लिए हमारी कोशिशें जारी रहती हैं, हर किस्म की एक्टिविटीज़ यहाँ पर ली जाती हैं। एज ए सुपरवाइज़र मैंने ये काम किया है और आगे आज मुझे एक हेडमास्टर का एजाज़ दिया गया है। अब इसमें मैं और इसमें किस तरह और निखार ला सकती हूँ, ये अपॉर्चुनिटी की लेकर मैं कोशिश करूँगी कि बच्चों में और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सकूँ।